शाम तक फाइल पूरी नहीं हुई तो शर्मा मुझे नौकरी से निकाल देगा। अच्छा ये तूने मेरी फोटो क्यों निकाली? अरे तुम्हारे भलाई के लिए ही निकाल रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब शर्मा साहब ने कभी अगर कहा कि तुम काम चोर हो तो मैं तुम्हारी तस्वीर उन्हें दिखा दूंगा। अरे वाह गोखले, गुड आइडिया गुड आइडिया। ये दिखा जरा कैमरा दिखा। देखो देखो देखो, अरे जर्मन, हाँ केशव केशव, जर्मनी का है। अच्छा, तामिया तामिया, वैसे आजकल अपने यहाँ भी बनता है। लेकिन इसकी फिनिशिंग जरा ठीक नहीं है गोखले। हाँ केशव, इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। मुर्गी? ए गोखले, मुर्गी की बात सुनकर मुझे एक और बात याद आ गई। ये कैमरा मुझे तू 2 दिन के लिए भाड़े पर दे सकता है? तुझे भाड़े क्यों क्यों केशव, घर की मुर्गी को पटाना चाहता है क्या? अरे नहीं गोखले, घर की मुर्गी तो ऑलरेडी पट चुकी है। मैं तो बाजू वाली तंदूरी चिकन की बात कर रहा हूँ। मतलब प्रेमाशालिनी जी को? प्रेमाशालिनी क्या है कि खूबसूरत औरतों के पास जाने के लिए ये बहुत ही अच्छा बहाना है। लेकिन मुझे एक बात बता। बोल बोल। तुम फोटोग्राफी के बारे में कुछ जानते हो? नहीं नहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे खींचे हुए फोटोग्राफ्स देखकर प्रेमाशालिनी मेरा कैमरा ही तोड़ दे। ए गोखले, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। तू जानता है मेरा पूरा खानदान फोटोग्राफर था? अरे मेरे दादाजी सेकंड वर्ल्ड वॉर में साइलेंट फोटोग्राफी करते थे और मैं 1947 में। बस नहीं, समझ गया ना? बस बस समझ गया। तुझे 2 सैंपल दिखा दो फोटोग्राफ कैसे खींचते हैं। जरूरत नहीं केशव, एक मिनट देख ले। केशव सर, तुम मेरे केसेस का क्या हुआ? एक मिनट सर, स्माइल प्लीज। अच्छा, कैसे तुम्हारे पास केसेस पड़े हुए? एक मिनट सर, स्माइल प्लीज। सारे फाइलें निपटा दूंगा, सारा काम निपटा दूंगा सर। मैं काम की बातें कर रहा हूँ तो सर, मैं कह रहा हूँ कि जब फोटोग्राफ हो जाए ना। हाँ सर, पासपोर्ट साइज के 2 फोटो मेरे पास भी। ओके सर, मिल जाएंगे जल्दी। लेकिन जल्दी सर, एक्सक्यूज मी सर, स्माइल प्लीज। '87, oh God, '89. Good morning, Prema ji. Okay, Kaji, good morning. Prema ji, क्या मैं आपकी एक फोटो खींच सकता हूँ? आप मेरी फोटो खींचकर क्या करेंगे केकू जी? अरे प्रेमा जी, आपकी फोटो की मैं 1 हफ्ते तक पूजा करूंगा। ओनली 1 हफ्ते तक? क्या करूँ, 1 हफ्ते के बाद कोकी गांव से वापस आ जाएगी ना। अल्लाह जी। One photo, please. All right. केकू जी, आप ऐसे से क्यों हिल रहे हैं? नहीं, मैं आपकी फोटो खींचने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो फिर मुझे स्टेडी होने के लिए बोलिए ना। स्टेडी प्रेमा जी। All right. स्टेडी। स्माइल स्माइल। ये जर्मनी का टामिया कैमरा है ना, ऐसी आवाज करता है। खचक। वन मोर प्रेमा जी, वन मोर। वन मोर। प्रोफाइल प्रोफाइल। ओह प्रोफाइल, आप तो बिल्कुल प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह बात करते हैं। ओके ऑलराइट, रेडी प्रेमा जी, रेडी स्टेडी स्माइल स्माइल। खचक। वन मोर, क्लोज अप क्लोज अप। ऑलराइट, ये ठीक है? यह वेरी नाइस प्रेमा जी। केशव जी, आप मेरे फेस का क्लोजअप ले रहे हैं या मेरी नाक का? नहीं है, आपका आपका क्लोजअप ले रहा हूँ, फेस का क्लोजअप। ओके, लेकिन आप तो कैमरे से भी ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। सॉरी। खचक। ओके बाय। वन मोर प्रेमा जी, वन मोर। केशव जी, मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही है। वन मोर प्रेमा जी, वन मोर, वन मोर। हाँ बोलो। हाँ बोल। अबे नंगा नहीं, नंदन गायत्री प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, कल सुबह मिल जाएंगे तुम्हारे फ्रेंड्स। हाँ दोनों ऊपर नीचे सब चिपका के मिलेंगे। ओके। नंदन गायत्री प्रसाद, नंगा प्रसाद। ला 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 ला। खुल्लम खुल्ला फोटो स्टूडियो। ये स्टूडियो का मालिक कहाँ है? अरे नंगा प्रसाद, दिखाई नहीं दे रहा, मैं डार्क रूम में हूँ। सॉरी, एक्सक्यूज मी, आर यू मिस्टर नंगा प्रसाद? नंदन गायत्री प्रसाद। ओह, देखा फुल साइज में लिखा है। सॉरी, मैंने आपका नाम जरा पासपोर्ट साइज में कह दिया।
एक रोल डेवलप करने के लिए देना था। ठीक है, निकाल के दे दो रोल। नहीं, वो कैसे निकाला जाता मैं जानता नहीं ना, वो पहली बार फोटोग्राफ्स खींच के लाया। माफ करना, ये नए नए फोटोग्राफर्स के मैं नहीं प्रिंट करके देता फोटोज। किसी की नाक कटी हुई रहती, किसी का हाथ कटा हुआ रहता, किसी का ऊपर का हिस्सा गुल तो किसी का नीचे का हिस्सा। ओए नंगा प्रसाद, मुंह संभाल के बात कर, मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, जानता है किसकी तस्वीर खींच के लाया हूँ? अच्छा, किसकी तस्वीर है? नहीं बताता, जा मत बता, जा। बात कर रहा है जैसे अपनी वो प्रेमा शालिनी के फोटो उतार के लाया। अरे वही तो, प्रेमा जी की तो तस्वीरें खींच के लाया हूँ। अच्छा, वो मेरे पड़ोस में रहती है, अपन बोले तो उसका खास फोटोग्राफर है। अच्छा अच्छा अच्छा, लाओ मैं प्रिंट करके दूंगा तुम्हें। पहले ये बता, ये तेरा स्टूडियो कितने साल से खोल के बैठा है तू? 10 साल से चल रहा है स्टूडियो। बस सिर्फ 10 साल? ऐसे छपरी स्टूडियो वालों को मैं फोटोग्राफ्स डेवलप करने के लिए नहीं देता। जा छपरी। सुनो, अब तुम ऐसा करो, ये मेरे पास दे दो, मैं डेवलपिंग की चार्जेस नहीं लगाऊंगा, मुफ्त में करके दूंगा, और ऊपर से एक बड़ी तस्वीर प्रेमा शैलन जी की प्रिंट करके दूंगा, उन्हें प्रेजेंट दे देना। श्योर। अच्छा, रोल निकाल, चल रोल निकाल। मैं निकालता हूँ। अरे यार, ये खुलता नहीं, कहां से खुलेगा ये? कैसे खुलेगा, नया मॉडल है, जर्मनी का टामिया। एक काम कर। अच्छा, नाड़ा खोल, नाड़ा खोल, नाड़ा खोलो। ये किसका, तुम्हारा है? नहीं, मेरे दोस्त का है। अच्छा, अरे मेरे दोस्त को क्या जवाब दूंगा मैं? उसको बोलना कि ये नए मॉडल है ना, ये ऐसे खुलते हैं। मेरे फोटोग्राफ्स, ये लाइट्स में खराब हो जाए। अरे नहीं खराब हो जाएंगे भाई, फोटो फ्रेंडली लाइट है इधर की। ये लो। ये डेवलप करने में कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। 10 दिन? यस। अरे प्रेमा शालिनी की फोटो है भाई, ऐसे वैसे थोड़ी है, जरा मेहनत से काम करना पड़ेगा, जरा यू नो वो प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। ओके, आर यू श्योर ये टूट नहीं गया? नहीं, उसे कहना ये नए फोटोग्राफर्स के कैमरा ऐसे होते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ओके नंगा प्रसाद, जरा ठीक से सब कुछ कर लेना। ओके गायत्री प्रसाद, ओके बाय। प्रेमा शालिनी, प्रेमा शालिनी। केशव, एक मिनट गोखले, जरा प्यार से गले मिलते हैं। आजा केशव। गोखले, केशव गोखले, अब ये बता इतने प्यार से हम गले क्यों मिले गोखले? केशव तेरा भी कमाल है। क्यों? तूने मेरे कैमरे का सत्यानाश कर दिया। अरे फिकर मत कर गोखले, कैमरा रिपेयरिंग में मैंने डिप्लोमा किया है, यू नो इन 1942। समझ गया? हो सकता है। केशव। हाँ गोखले, तुमने पहली बार फोटोग्राफी की। हाँ। और फोटो सीधे कवर पेज पर। क्या बात कर रहा है गोखले? अरे हाँ, स्टार पाउडर के कवर पेज पर प्रेमा जी की इतनी बड़ी तस्वीर छपी हुई है जो तूने खींची हुई है। क्या बात कर रहा है गोखले? पता नहीं। हाँ। अरे उस तस्वीर ने तो सारे शहर में हंगामा मचा दिया है। ओहो, लेकिन ऐसी कौन सी खास बात है उस तस्वीर में? वो फोटो अश्लील जो है। अश्लील? लेकिन मैंने तो ऐसी कोई फोटो नहीं खींची। कहाँ है मैगजीन? कहाँ है? है, जोशी के पास भी है। ओके चलो चलकर देखते हैं। ओके एक मिनट। ओहो टामिया, तुझे बाद में रिपेयर करता हूँ। ओके एक्सक्यूज मी मिस शाह, तुम्हारे पास वो स्टार पाउडर के लेटेस्ट इश्यू है क्या? हाँ है ना। प्लीज जरा दिखाना। ये लीजिए। अरे ये क्या किया? तुमने कवर पेज क्यों फाड़ डाला? वही तो देखना था। क्या कर रहे हो? नहीं बोलते। नो प्रॉब्लम, मिस जोशी के पास भी एक इश्यू है। अच्छा मिस जोशी, सॉरी, आपके पास वो स्टार पाउडर का लेटेस्ट इश्यू है? हाँ है, ये लीजिए। अरे ये क्या, तुम लोग कवर पेज क्यों फाड़ देते हो? क्योंकि इस मैगजीन के कवर पेज पर प्रेमा शालिनी की गंदी तस्वीर छपी थी। तो उसमें क्या हुआ? पता नहीं आजकल के एक्ट्रेसेस इतना अंग प्रदर्शन क्यों करती हैं? नहीं छोड़ा, मेरी नाक कटवा दी है डॉल की बच्ची ने। डॉल, डॉल क्या है ये? देखो तुम्हारी तस्वीर छपी है। कहाँ? ये मैगजीन के फ्रंट पेज पे। कौन सी मैगजीन? स्टार पाउडर। इसमें हैरान होने की क्या बात है? मेरी फोटोग्राफ्स रोज छपती रहती है मैगजीन में, दिखा तो। नहीं ये मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों? गंदी है, मुझे शर्म आ रही है। मेरी फोटोग्राफ और गंदी? व्हाट नॉट। देखा देख लिया? ये मेरा चेहरा? तुम्हारा ही है ये चेहरा। हाँ लेकिन ये रेस्ट ऑफ द बॉडी? बॉडी भी तुम्हारी है। नो बेयर, देखो नीचे नाम लिखा है, प्रेमा शालिनी द वेट एंड वाइल्ड ब्यूटी। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरा अपमान है देव। उस प्रेमा शालिनी को अच्छा सबक सिखाना चाहिए। हाँ और उस फोटोग्राफर को भी। ओए, वो फोटो मैंने खींची थी। क्या वो फोटोग्राफ आपने खींची है?
हाँ 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 वो फोटोग्राफ मैंने खींची है। Hi Keshu. Sonu baby. You're absolutely the greatest Keshu. I know that Sonu, I know that. लेकिन क्यों? वो स्टार पाउडर की कवर फोटो तुमने खींची है ना? हाँ 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 चोपड़ा साहब क्या हाल है पापा जी? हाँ जी ठीक जी ठीक। अच्छा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ जी क्या 5 हीरो के ऑपोजिट एक हीरोइन डॉल? अच्छा 140 mm 16 ट्रैक स्टीरियोफोनिक साउंड डॉल्बी सिस्टम। तो पापा जी रिलीज कितने करोगे? थिएटर के बीच के स्टेडियम के बीच? हाँ जी। अच्छा वो फोटो नहीं नहीं वो जो फोटो है ना वो डॉल की है। ये डॉल की है। आओ आओ। हेलो चोपड़ा साहब, ऑफ कोर्स मैं डॉल बोल रही हूँ। यस लेकिन 10 लाख तो मेरा प्राइस 2 महीने पहले था, अब फोटोग्राफ के बाद तो मेरा 20 लाख हो गया है। ऑफ कोर्स व्हाट एवर यू से एनी टाइम। यस ऑफ कोर्स राशि साहब, इतनी अच्छी फोटोग्राफ तो सिर्फ मेरी हो सकती है। लेकिन आजकल 20 लाख नहीं राशि साहब, 40 लाख हो गया है। लेकिन आपके लिए तो मैं 35 में करने के लिए तैयार हूँ। ओके बाय। क्या हो रहा है? मेरा नाम ले रहे हैं? इतना बड़ा क्राउड, मेरे फैंस होंगे शायद। ये यहाँ से आवाज आ रही है, दिल देखो तो। मेरे फैंस को अंदर बुलाओ। हाय 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 हाय। डॉल डॉल डॉल, ये वो वाला हाय हाय नहीं है, ये शेम शेम वाला हाय हाय है। वाय वाय, आप मेरे खिलाफ नारे क्यों लगा रही हैं? ये क्या है? मैगजीन है। वो तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर किसकी है? मेरी है, अच्छी है ना? लेकिन ऐसी तस्वीर खिंचवाने से आपको मिलता क्या है? दिन में 10 फिल्में मिलती है, 10 into 20 is about 2 crores। लेकिन आपको पता है ऐसी तस्वीर खिंचवाकर आप सोसाइटी को स्पॉइल कर रही हैं? अगर ऐसे तस्वीरें खिंचवाने से सोसाइटी बदनाम होती है तो फिर आपको ऐसे कपड़ों में तो बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। yes. आप कौन होते हैं जी बीच में बोलने वाले? और आप कौन होती हमारे घर में आकर, हमारे ड्राइंग रूम में आकर नारे लगाने वाली? yes. ये नारी लज्जा समिति की अध्यक्ष है। शायद इसलिए इनको लज्जा नहीं आती। भगवान मर्दों को बचाए ऐसी औरतों से। अरे आपके घर में कोई बाप बेटा पिता है कि नहीं? ऐसी बेहुदा तस्वीरें खिंचवाती है, तेरे को इस जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ क्या? गिरफ्तार? गिरफ्तार कर इसको। इसको नहीं, ये कौन है मालूम है तेरे को? नारी लज्जा समिति की प्रेसिडेंट है, इसको करना। आप चलिए कुटिए यहाँ से, बड़ी आई नारी लज्जा समिति की अध्यक्ष। वकील को फोन करूं? वकील कोकी जी। वेरी गुड बेबी, वेरी गुड। अब ऐसे खड़ी रहो, बालों को थोड़ा ऐसा कर दो, स्माइल बेबी, लुक एट मी, यू आर वेरी स्वीट डार्लिंग, यू आर वेरी स्वीट। रेडी स्माइल बेबी, खचक। ओके एक और मेरे लिए। एक और? ओके ओके ओके। ये बीच में मोटा कौन है? ए मोटे, ए हाथी, हाथी बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। ओके बेबी स्माइल, चुनु बेबी स्माइल स्माइल। ओ हाथी तो फिर से आ गया, अरे कहीं जंगल में जाके घूम गया। सॉरी बॉस। जीजू आपने क्यों डिस्टर्ब किया? केशु मेरा फोटो सेशन कर रहा था। लेकिन ये कोई फोटो खिंचवाने की जगह है क्या? सर जी मैंने सोनू को समझाया, मेरे घर चलो, मैं अकेला हूँ, अकेले में फोटो सेशन करते हैं, लेकिन वो मानी नहीं। मेरी साली की फोटो खींचने की तुझे क्या जरूरत? जीजू खींचने दीजिए ना, इन्होंने पता है प्रेमा शालिनी की भी तस्वीरें खींची है। केशव गजब हो गया। क्या हुआ? अरे प्रेमा जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या किस जुर्म में?
अश्लील फोटो खिंचवाने के जुर्म में। ओह नो, चलो गोखले, हम प्रेमा जी को छुड़वाते हैं, चलो। चलो बच्चे, पहले मेरे साली के फोटो वाला रोल इसमें से निकाल के मुझे दे। अबे रोल की क्या जरूरत है बॉस, पूरा कैमरा ही रख लीजिए, इसमें रोल ही नहीं है। बात करता है, चलो 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 जाते। खटा प्रेमा जी, केशव जी, प्रेमा जी, केशव जी, प्रेमा जी, आगे भी तो कुछ और बोलिए। प्रेमा जी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे तुम लोग रोते क्यों नहीं? थोड़ा कम वॉल्यूम, थोड़ा कम। प्रेमा जी, ये क्या हो गया, क्या हो गया? मैं कल ही आपके लिए टिफिन लेकर आऊंगा। केशव जी, मुझे टिफिन की जरूरत नहीं है, मुझे जमानत की जरूरत है। ये दिल अभी तक वकील को लेकर क्यों नहीं आया है? मुझे तो लगता है प्रेमा जी, दिलरुबा जी खुश हो गए होंगे। हाँ, आपसे छुटकारा जो मिल गया। केशव जी, तो फिर आप मेरे लिए कुछ कीजिए ना, वो फोटोग्राफ आप ही ने तो खींची थी मेरी। प्रेमा जी, मैंने तो आपकी अच्छी फोटोग्राफ्स निकाली थी। मुझे तो लगता है ये नंगा प्रसाद की कोई चाल है। किसकी? मेरा मतलब नंदन गायत्री प्रसाद, वो जो स्टूडियो का मालिक है ना, उसकी कोई चाल है। तो केशव जी, आप ये बात मुझे मत बताइए, आप वहां जाकर उस इंस्पेक्टर से यही बात कहिए ना, शायद वो मुझे छोड़ दे। जाइए ना केशव जी। गुड आइडिया प्रेमा जी, इस जेल से मैं आपको छुड़वा कर रहूंगा, छुड़वा कर रहूंगा। इंस्पेक्टर, प्रेमा जी, आपको इस लिबास में देख के लगता है कि जैसे आप किसी फिल्म का शॉट दे रही हो। थैंक यू। इंस्पेक्टर इधर बैठा है, वाओ वालदार है। सॉरी बाप, सॉरी। ओ इंस्पेक्टर, जाओ जरा प्रेमा शालिनी को छोड़ दो, जाओ। उसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझे ना। अरे लेकिन वो फोटोग्राफ उनकी नहीं है। तो क्या तेरी है? अरे प्रेमा जी इतनी मोटी थोड़ी है। तेरे को कैसे मालूम कि वो मोटी है या पतली? क्योंकि वो फोटोग्राफ मैंने खींची है, ये देखिए मेरी खींची हुई फोटोग्राफ और ये स्टार पाउडर मैगजीन वाली फोटोग्राफ, दोनों सेम टू सेम, सिर्फ नीचे का हिस्सा अलग है। बात करता है। बात तो तू ठीक बोल रहे। हाँ। ए हवलदार, ए हवलदार, इधर आ। यस सर। जा प्रेमा शालिनी को छोड़ दे, जा। ए! इसको अंदर ले। अरे लेकिन मेरे को क्यों जेल में डाल रहे हो? अरे अरे इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए, मैं ऑलरेडी जेल में जा चुका हूँ दो तीन बार। कब? वो 1947 में आजादी की लड़ाई में। इसको अंदर ले। अरे हवलदार, इन्हें क्या अंदर लेके जा रहे हो? हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे कौन से रूम में डालेंगे? प्रेमा के बाजू वाले लॉकअप में डाल इसको। सोनिया, सोनिया, क्या बात है गोखले? केशव और प्रेमा जी को छुड़ाने के लिए कोई ना कोई तरकीब तो ढूंढनी होगी। ठीक है, तो इंस्पेक्टर को मिठाई खिला के बेहोश कर डालते हैं। ये आइडिया तो पुराना हो चुका। तो फिर एक और आइडिया। हाँ। तुम जाके केशव से पूछो, उसने रोल कहाँ से डेवलप करवाया था। अरे ये तो मुझे मालूम है, खुल्लम खुल्ला फोटो स्टूडियो। चलो। देखो सोनिया, अब तुम अंदर जाकर प्लान के मुताबिक सब कुछ करना, मैं बाहर खड़ा हूँ। लेकिन अगर उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो? अरे वो असली लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं करता, सिर्फ उनके फोटोग्राफ्स के साथ करता है। लेकिन अगर उसने मौके का फायदा उठाया तो? तो फिर तुम चिल्लाना शुरू करो। लेकिन अगर उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया तो? लगता है मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा। चलो जाओ। ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी समझ लेना। अरे मैं हूँ, मैंने सब फिटिंग कर दिया है। ओके गॉक्स, I'll just go and come. Excuse me. Yes. क्या आप फोटोग्राफर हैं? अजी मैं फोटोग्राफर भी हूँ और फोटो मेकर भी हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए? जी मैं एक अपकमिंग एक्ट्रेस हूँ। हाँ। और एक बहुत ही ग्लैमरस फोटो सेशन करवाना चाहती हूँ। बताइए कब शुरू करें? लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, मैं हर पोज में अलग अलग कपड़े पहनूंगी। आप कपड़े पहनकर फोटो उतारेंगी? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है अगर आप कपड़े पहनकर फोटो सेशन कराएंगी तो फिर आप ग्लैमरस कैसी लगेंगी, आप आगे कैसी बढ़ेंगी जिंदगी में? तो क्या ग्लैमरस दिखने का और कोई तरीका नहीं हो सकता? है ना, और एक तरीका है, आप इन्हीं कपड़ों में अपना फोटो सेशन करें और आपको ग्लैमरस बनाने का काम मुझे छोड़ दीजिए। वो कैसे? वो जैसे मैंने बड़े बड़े फिल्म स्टारों को बनाया, ऐसे। आपने इस बार का स्टार पाउडर का कवर देखा? प्रेमा शालिनी का फोटोग्राफ देखा?
हाँ बहुत ही ग्लैमरस था। अजी उनको ग्लैमरस इसी बंदे ने बनाया। वो कैसे किया? वो क्या है, एक किशोर कुलकर्णी नाम का एक ऐसे कच्चा फोटोग्राफर प्रेमा शालिनी की फोटो उतार के मेरे पास रोल लिया डेवलप करने के लिए। मैंने प्रेमा शालिनी की शक्ल और बोर्ड डायरेक्ट का फिगर मिक्स करके बेच दिया मैगजीन को। अच्छा। आपको पता है प्रेमा शालिनी आजकल कहां से कहां पहुंच गई है? और आप भी थोड़ी देर में वहीं पहुंचने वाले हैं। अच्छा कहां? जेल में। इंस्पेक्टर आया। अंटी पे मस्ती नहीं। ओ मिस्टर मिक्सोग्राफर, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन अभी मैं हवालात में तेरी ऐसी फोटो खींचूंगा और उसको ऐसा मिक्स करूंगा ना कि ये तेरी जितनी भी फोटो है ना सब एकदम फीकी पड़ जाएगी। क्या? चल 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 चल। क्या बात है, वाह। केशव जी। प्रेमा जी, जेल से छूटने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद प्रेमा जी। केशव जी, आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, मेरी खातिर आप जेल भी गए। अरे नहीं नहीं प्रेमा जी, वैसे तो मुझे जेल जाने की आदत है। अरे मैं 3 बार जेल जा चुका हूँ। क्यों? हाँ वो देखे ना, एक तो 1942 वर्ल्ड वॉर, बाद में वो आजादी की लड़ाई। यस। फोटोग्राफ प्लीज। हाँ यस। नो नो फोटोग्राफ नो। प्रेमा जी डरिए मत, डरिए मत। क्यों? ये फोटोग्राफ स्टार पाउडर के लिए नहीं है। तो फिर? ये हमारे पर्सनल कलेक्शन के लिए है। यस यस। ओह इन दैट केस नो प्रॉब्लम। स्माइल प्लीज। खच्चर।